Assalamu alaikum 9th class. How are you all? I'm good and hope you're all fine and safe and sound. Okay, today we are going to do our last component of human food, that is actually dietary fibers. Dietary fibers ka second name hai jo hai wo hamare paas, that is called roughage. Consider karein, dietary fibers, fiber is a word. फाइबर से हम स्टार्ट करते हैं. फाइबर इज़ एक्चुअली द वर्ड दैट कंसीडर्ड टू बी अनडाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी. फाइबर हम हर उस चीज़ को कहते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी की कैपेसिटी से बाहर है कि ह्यूमन बॉडी उसको डाइजेस्ट कर सके, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होती. फॉर एग्ज़ाम्पल, डाइट्री फाइबर्स को कंसीडर करते हैं आपके पास जो हर्बीवोर्स हैं, जो कि गायें हैं, भैंसें हैं, वो क्या करते हैं, दे ईट फॉडर, वो चारा खाते हैं. चारा खाने के बाद वो क्या करते हैं, इट टेक्स दैट फॉडर टू देयर स्टमक, और आफ्टर सम टाइम अगर आप चेक करें तो उनका मुंह हमेशा चलता रहता है. वो इट मींस कि वो क्या कर रहे होते हैं, उस चारे के अंदर क्या है, दैट चारा कंटेन, दैट फॉडर कंटेन फाइबर्स, उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा डाइट्री फाइबर्स हैं. और हर्बीवोर्स की ये कैपेसिटी है बिकॉज उनकी बॉडी में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि क्या करते हैं, उस फाइबर्स को ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करने के बाद उनकी बॉडी उसे डाइजेस्ट कर सकती है. ह्यूमन बॉडी के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है. ह्यूमन बॉडी में ऐसे कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है जो कि क्या करें, इस डाइट्री फाइबर को डाइजेस्ट कर सकें. सो डाइट्री फाइबर और रफेज इज समथिंग दैट विच इज़ इनडाइजेस्टिबल टू द ह्यूमन बॉडी, और ये अनडाइजेस्टेड फॉर्म में. कल हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं. अगर फॉर एग्जांपल हमारी फूड में डाइट्री फाइबर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो हमने क्या किए, माउथ से हमने खाए, एसोफेगस में गए, स्टमक में, क्योंकि डाइजेशन होनी है, डाइजेशन नहीं होगी. डाइजेशन स्टमक के बाद डायरेक्टली वो नेक्स्ट कहाँ चले जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे भी इनकी डाइजेशन नहीं होगी बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू बी डाइजेस्टेड इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में ऐसे बैक्टीरियाज प्रेजेंट ही नहीं है. देन दे विल मूव टूवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड कोलोन. कोलोन तक, कोलोन के बाद एक और पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड रेक्टम. हम इसी चैप्टर के सेकेंड हाफ में इसको कंसिडर करेंगे, स्टडी करेंगे. सो कोलोन तक ये अनडाइजेस्टेड फॉर्म में ही चले जाते हैं, ठीक है. अब पहली बात तो ये, हमें कैसे पता चला कि ह्यूम जो है वो, आप कहते हो कि हमारी अक्सर कुछ फूड एड्स में हमारे पास होता है, ओट्स के आएँ, सिरेलैक हो, या इस तरह की कुछ भी चीज़ें हो, तो उनके बाद में एड्स में इंग्रेडिएंट्स में चेक करें तो इंग्रेडिएंट्स में फाइबर्स भी ऐड होते हैं. तो इट मींस ये दीज आर इम्पॉर्टेंट टू द ह्यूमन बॉडी, इवन दो दे आर नॉट डाइजेस्टेड, इवन दो कि ये डाइजेस्ट नहीं होते, बट फिर भी हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं. अब क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, ये हम इनके फंक्शंस में चेक करेंगे. सो फर्स्टली जो हमने क्या कहा, डाइट्री फाइबर इज ऑल्सो नोन एज रफेज इज द पार्ट ऑफ द ह्यूमन फूड दैट इज इनडाइजेस्टेबल. इट इज़ फाउंड ओनली इन द पार्ट ऑफ प्लांट फूड्स, ठीक है. पहले तो ये चेक कर लें कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट फूड का पार्ट होता है, ठीक है, जो कि लीफी वेजिटेबल्स, हमारे कुछ फ्रूट्स हो गए, जो हर वो खाना जो हम प्लांट से ले रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसमें फाइबर्स भी होंगे. इट मूव्स अनडाइजेस्टेड थ्रू द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इन टू द कोलोन, यानी लार्ज इंटेस्टाइन तक अनडाइजेस्टेड फॉर्म में ही ये चले जाते हैं. अब इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास डाइट्री फाइबर्स की. देन वी हैव द हेडिंग ऑफ टाइप्स. देर आर टू टाइप्स ऑफ डाइट्री फाइबर्स. द फर्स्ट वन इज इनसॉल्युबल डाइट्री फाइबर एंड सेकेंड वन इज सॉल्युबल डाइट्री फाइबर. इनसॉल्युबल डाइट्री फाइबर जो है वो जो कि बिल्कुल भी बॉडी में इवन डिजॉल्व भी नहीं होते, अनडाइजेस्टेड. तो ये there are two types of dietary fibers. The first one insoluble dietary fiber and second it's soluble dietary fibers. Insoluble it means ki body mein digest to ye dono nahi ho rahe, ye to confirmed hai. But soluble it means, soluble ka matlab hai ki agar ye ek dietary fiber hai, agar ye as it is body ki large intestine mein chala jata hai without breaking it down, इसको तोड़े यानी टूटे बगैर, तो हम इसके नाम देंगे इनसॉल्युबल डाइट्री फाइबर का. अगर ये डाइट्री फाइबर जो है वो कुछ पीसीज में टूट जाता है, अनडाइजेस्टेड ही रहेगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, बट वो छोटे पीसीज में टूट जाता है, ब्रेक ऑफ हो जाता है इन द स्मॉल पीसीज, देन इट इज़ कॉल्ड सॉल्युबल डाइट्री फाइबर, ठीक है. दोनों में जस्ट डिफरेंस ये है.
So insoluble dietary fibers travel quickly through the small intestine, because small intestine में क्या है, इनकी थोड़ी सी digestion, ठीक है, because हमने कहा था small intestine में digestion होती है, तो small intestine में क्योंकि ये breakdown नहीं होंगे इसलिए वो जल्दी से small intestine से pass out हो जाते हैं. But soluble dietary fibers break down at its passage through the alimentary canal. जैसे ही stomach से pass करेंगे, small intestine से pass करेंगे, large intestine से pass करेंगे, they will break down. वो क्या हो जाएंगे, छोटे pieces में break down हो जाएंगे. वो हैं soluble dietary fibers. Now we move towards their sources. Insoluble dietary fibers के sources क्या हैं? Wheat bran है, ठीक है, हमारे कुछ cereals हैं, ठीक है, हम skin of many fruits and vegetables. These are insoluble dietary fibers. और soluble dietary fibers को हैं हमारे पास oats हैं, beets हैं, barley है, many fruits and vegetables contain soluble dietary fiber. Now move towards its functions. Functions हमने कहा dietary fibers they are indigestible to the human body but they are important. Important है, that's why they are called the component of human food. हम इसे इस chapter में study कर रहे हैं. Firstly, fibers हमारी body में alimentary canal की movement को increase करता है. Alimentary canal की कौन सी movement होती है, that is contraction and relaxation. ठीक है, जिसे आप second term में bowel movement का name भी देते हैं. अब जिस पर्सन में हम कहते हैं कि एक ऐसा पर्सन है जिसकी डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो है, एक ऐसा पर्सन है जिसकी डाइजेशन यानी एक टाइम खाना खाता है उसके बाद आफ्टर वन आवर या हाफ आवर के बाद ही उसको इतनी भूख लग जाती है कि वो दोबारा से खाना जो है वो स्टार्ट कर देता है, इट मीन्स कि उसकी डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी एलिमेंट्री कैनाल की मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कि वो खाना जल्दी से डाइजेस्ट कर लेते हैं. बट एक ऐसा पर्सन है जो कि क्या करता है, एक टाइम खाना खाता है और चार घंटे के बाद भी उसको भूख नहीं लगती है, ठीक है, इट मीन्स कि उसकी बॉडी की जो बाउल मूवमेंट है दैट इज़ कॉल्ड बाउल मूवमेंट, वो क्या है हमारे पास, स्लो डाउन है. चीज़ें इतनी जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होती, डाइजेस्ट नहीं होती, उतनी जल्दी वो बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होती, ठीक है, सो इट्स टेक टाइम फॉर देम टू ब्रेक डाउन द थिंग्स. सो पहली चीज़ तो ये होगी कि अगर हमारे पास एक वैसा पर्सन जिसमें बाउल मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा स्लो है, ठीक है, अब वो पर्सन क्या करेगा, उस पर्सन को जो प्रॉब्लम जिससे वो फेस कर सकता है, जो प्रॉब्लम दैट इज़ एक्चुअली द कॉन्स्टिपेशन, जिसे हम आम जुबान में कब्ज का नाम देते हैं, ठीक है, जिसमें स्टूबल बॉडी से पास करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंडीशन होती है. सो अगर आप डॉक्टर के पास जाएँ और उसको पूछें यू हैव वॉन्ट टू हैव सम द ट्रीटमेंट और मेडिकेशन फॉर द कॉन्स्टिपेशन, तो डॉक्टर आपको दो चीज़ें प्रिस्क्राइब करेगा. पहली, वो आपको लेक्सेटिव ड्रॉप्स देगा. लेक्सेटिव ड्रॉप्स क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी की बाउल मूवमेंट है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं. वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड मटीरियल है वो जल्दी से पास आउट हो जाएगा. अगर सेकेंडली वो डॉक्टर क्या करता है, उसको इसबगोल हस्क प्लांट है, दैट इज़ कॉल्ड इसबगोल हस्क, वो डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है. इट मीन्स कि आप अपने डेली डाइट का पार्ट जो है उसको बनाएं, बिकॉज इट कंटेन्स द डाइट्री फाइबर. डाइट्री फाइबर का फंक्शन क्या होगा, बॉडी को, पहला फंक्शन बॉडी को प्रिवेंट करना फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन. सेकेंड फंक्शन क्या होगा, बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल की जो मूवमेंट है उसको इंक्रीज करना. फाइबर प्रिवेंट्स एंड रिवील्स कॉन्स्टिपेशन बाय स्टिमुलेटिंग द कंट्रैक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल मसल्स. अवॉइडिंग कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैनी अदर डिजीजेज. जिस पर्सन को कॉन्स्टिपेशन होती है उसको बाकी डिजीज़ यानी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो सकता है उसका. कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली हार्ट डिजीजेज होने के भी चांसेस इक्वल हैं. सो सॉल्युबल डाइट्री फाइबर्स हेल्प इन लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर लेवल्स. एंड द थर्ड फंक्शन इज स्पीड अप द मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजेंस. ठीक है, कार्सिनोजेंस उन्हें हम कहते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं. ठीक है, जो कि किसी भी तरह से, फॉर एग्जांपल हम फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं, हम प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा खादें स्प्रेज वगैरह यूज़ करते हैं, मे बी उन सब के अंदर वो केमिकल्स हैं और केमिकल्स कार्सिनोजेंस भी हो सकते हैं. ठीक है, कि जब हम उन्हें खाएंगे तो बॉडी में, हमारी बॉडी में कैंसर कॉज कर सकते हैं. तो पहली बात तो ये कि उन्हें अच्छी तरह से वॉश करें अगेन एंड अगेन, सो दैट कि वो जितने भी केमिकल्स हैं वो रिड ऑफ हो जाएँ, वहाँ से वॉश आउट हो जाएँ. सेकेंडली, उन प्लांट्स, वो जो चीज़ें हम खा रहे हैं उसी के अंदर हमारे पास डाइट्री फाइबर्स भी होंगे, सॉल्युबल डाइट्री फाइबर्स, जो कि क्या करेंगे, उन कार्सिनोजेंस को बॉडी से एलिमिनेट करवा देंगे. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दीज डाइट्री फाइबर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस. दिस इज़ योर शॉर्ट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड.
तीन तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेशन आ सकती है आपको, आपको टाइप्स आ सकती हैं, डिफरेंस बिटवीन द सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल डाइट्री फाइबर, एंड थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ अ फंक्शन, फंक्शन ऑफ द डाइट्री फाइबर्स. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए. सो दिस कुड बी योर MCQ. ठीक है, अगर इस गोल हस्क को यूज़ करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, कोलेस्ट्रोल लेवल ब्लड में लो हो जाएगा. ठीक है, सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस बॉक्स फॉर योर MCQ एंड दिस इज़ योर फंक्शंस. ओके क्लास, टुडे वी आर डन विद आवर लेक्चर. टुमारो विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक एंड टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड. ओके, अल्लाह हाफिज़.